Hello everyone! A very warm welcome to PW UGC NET and a very warm welcome to our session. So 11:00 chuke and it is time for our history session. और जैसा कि आपको पता है हमने आपके लिए शुरू किया है क्रैश कोर्स एंड अब एग्जामिनेशन है नेक्स्ट वीक सो टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन वी हैड डन एंटायर हिस्ट्री लेक्चर जहां पे थ्रू क्वेश्चंस वी हैड कवर्ड एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न और आज के सेशन में हम मॉडर्न इंडिया को आगे बढ़ाएंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मॉडर्न इंडिया नेशनल मूवमेंट सो जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन इन कर लीजिए वेरी वेरी वॉम वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू So Devjani Jani, very, very good morning and I hope everybody is doing well. So Kaluwata Hamara mega marathon of ancient India. Where we tried to cover one fifty questions, but we finished in one thirty because uh, थोड़े बहुत लोग टायर्ड होने लगे थे तो अब एंशंट इंडिया मैराथन के बाद आएगा मिडिवल एंड मॉडर्न मैराथन जो होगा ये संडे को शाम के तीन बजे सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द एक्स्ट्रा मैराथन सेशंस फॉर अ कंप्लीट होलिस्टिक रिवीजन ऑफ सिलेबस और क्रैश कोर्स के सारे सेशंस को जरूर ज्वाइन इन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रैपिड रिविजन विथ एक्सप्लेनेशन जो कि फुल ऑन डिटेल्ड है जो आपकी पढ़ाई में आपको काफी मदद करेंगे आपको करना क्या है जब भी आप ये टॉपिक रिवाइज करें हमारे नोट्स को उसके साथ इंटीग्रेट कर लें सो देव अ वेल डन डेवलप प्रेपरेशन चलो वानी गीता सागरिका सचिन श्रेया अमीन सबीर नमिता वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सो हाउ इज द जोश सो टुडे इज वेडनेसडे नेक्स्ट वीक इज द एग्जामिनेशन तो जो फाइनल सेंस का काउंटडाउन होता है वो शुरू हो चुका है आई होप एवरीथिंग इज फैबुलस सुपर एक्साइटेड टू गिव द एग्जाम चलो सबीर पल्लव ज्योति काजल सुपर एक्साइटेड हाउ इज द जोश हाई और नॉट क्योंकि अगर जोश धीरा है तो फिर तो नहीं चलेगा अमीन का जोश हाई और बाकी वानी का भी जोश हाई खुश वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ये बी आउटसाइड योर सेंटर सो इट इज जस्ट वन वीक नाउ सो फाइनली वी आर क्लोज टू दी एग्जाम एंड नेक्स्ट Wednesday एग्जाम so so we uh, दे रहे होंगे आप एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड पेपर सो डोंट worry, एक शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है डोंट worry अबाउट एनीथिंग जस्ट रिलैक्स One वीक में बस सिर्फ और सिर्फ revision करते जाना है आपको एंड दैट इज इट ठीक है चलो एंड टू मेक योर प्रिपरेशन हमने का मैराथन कर लिया मिडिवल मॉडर्न का मैराथन ये संडे को है तीन बजे एंड देन वी विल डू अ फुल सिलेबस मैराथन जिसके बाद आपका एग्जाम है ठीक चलो सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन आज है लेक्चर नंबर जहां पे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट एन टू नाइनटीन खत्म करेंगे थोड़ा कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि वहीं पे पेपर पे में मोस्टली गलतियां होती है बिफोर वी स्टार्ट आई होप जल्दी से जो लोग अभी भी नहीं किए हैं यू नो दैट हमें आपके जो भी लेक्चर्स होते हैं उसके लिए आपको मटेरियल मिलता है स्पेशली सो टू मेक श्योर दैट आप उसको मिस ना करें प्लीज़ गो टू दी डब्ल्यू ऐप वहां पे यूजीसी नेट टाइप करें वहां पे आपको हमारा सार्थक बैच दिख जाएगा उसको एनरोल कर ले फटाफट से एंड व्हेन यू एनरोल फॉर सार्थक बैच ऑल दी क्रैश कोर्स जो हमने स्पेशली आपके लिए शुरू किया है ये आपको दिख जाएगा जितने भी आपके पेपर वन के क्लासेज हैं प्लस पेपर टू के क्लासेज हैं हर लेक्चर के आपको पी प्लस लेक्चर के जो स्पेशली हमारे वीडियोज है वो हा पे अपडेटेड है ठीक है तो जो एक्सप्लेनेशन है उसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा एंड डू नॉट मिस एनीथिंग लास्ट मोमेंट सबको गो थ्रू कर लीजिएगा ठीक है एनरोल फॉर दिस इसके अलावा अगर आप जनरली क्लास भी देख रहे हैं तो इसके नीचे आपको हमारे बैच की रीडायरेक्ट लिंक दिख जाती है तो यहां से भी यू कैन गेट रीडायरेक्टेड ठीक है तो चलो नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास अब आज हम शुरू करने वाले हैं स्पेशली एंशेंट इंडिया हो गया मिडीवल इंडिया सो ये सब हम पहले कर चुके हैं सो अप्रोक्सीमेटली हमारे नाइन लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने एंशंट पूरा का पूरा खत्म कर लिया मिडीवल अर्ली मिडीवल खत्म कर लिया हमने उसके बाद सोर्सेस खत्म कर लिया एंड हमने स्पेशली शुरू किया था मॉडर्न इंडिया जहां पे वी डिड ब्रिटिश एक्सपेंशन इन दीवियस क्लासेस है ना तो ये सारी चीजें हमने कर ली है प्लीज इसको एग्जामिनेशन के पहले रिवाइज कर लीजिएगा इंटीग्रेट कर लीजिएगा अपने नोट्स विद जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो या जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसके साथ इन पर्टिकुलर चीजों को इंटीग्रेट कर लीजिएगा ठीक है चलो ओके आई विल जस्ट सी ठीक है उसके अलावा हमने ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन किया था 1700 टू 1857 आप 1857 से आगे बढ़ेंगे एंड हम 1930 तक ये सारे पीरियड को आज फिर से कवर अप करेंगे जहां पे वी विल डू एवरीथिंग जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो गया सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया स्पेशली बुक्स क्वेश्चन हो गए कोर्ट क्वेश्चन हो गए ये सारी चीजों को आज के सेशन में हम कवर करेंगे ठीक है चलो हाँ आज पोल के साथ कल अगर मैं आपको पोल देती 150 क्वेश्चंस में तो वुड हैव गॉन मैट चलो सो द फर्स्ट क्वेश्चन स है ऑफ द फ्यूचर पार्लियमेंट फॉर अंट्री एंड वी विलीड टू दुड ऑफ इनकल मैग्निट्यूड फॉर अ कंट्री मैन सो आपका हिंट यहाँ पे क्या है दर एटीन एटी सिक्स तो अगर आपने प्रेस जर्नल्स पढ़ा है एंड आपको यर्स मिले होंगे बहुत सारे बुक्स प्रेस और जर्नल्स के अब इससे आप एलिमिनेशन करने की कोशिश करो So 1886, कौन सी है जो ये कहता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है बॉम्बे का ये फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ कंट्री का so ये लिखा है इंडियन मिरर में ये लिखा है हिंदू पेट्रियॉट में ये लिखा है रस गुफ्तार में या ये लिखा है इंडियन ओपिनियन में किस न्यूज में स्पेशली ये लिखा गया है अब आप मैं आपको पोल देती हूँ आंसर अपने दिमाग में सब लोग रख लो ठीक है सो गो

एंड ठीक है कुछ कंफ्यूजन है बस इसको दिमाग में रख लेना paper, so चलो, so हो पे है लेटमीड इट थर्टी सिक्स परसेंट पीपल रीता पल्लव टीकू प्रणय सौम्या सबीर एंड काजल एब्सुलटली करेक्ट तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा फॉर योर एग्जामिनेशन इंडियन मिरर जनवरी 1886 में स्पेशली लिखता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बॉम्बे का है ये एक तरीके से हमारा जो फ्यूचर पार्लियामेंट है उसका प्रीकर्सर है उसके अलावा दूसरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बद्रुद्दीन तेबजी जिन्होंने कांग्रेस प्रेस कांग्रेस को एड्रेस किया था 1887 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे इन्होंने बोला था कि भाई कांग्रेस इज कंपोज ऑफ रेप्रेजेंटेटिव कोई एक क्लास और एक कम्युनिटी का नहीं बट अलग अलग कम्युनिटीज ऑफ इंडिया की क्योंकि दोनों सेम टाइम पीरियड का है तो मैंने आपको दोनों ही दे दिया है और अगर

ये किसने बोला है फिरोज नाउ अ डेज टू बिजी विथ हिज पर्सनल वर्क दे आर ऑलरेडी रिच इनफ मिस्टर तेलांग टू रिमेन बिजी आई वंडर अगर सब लोग बिजी रहेंगे इन दर्स्यूट ऑफ गोल्ड तो कंट्री के प्रोग्रेस कैसे होगी कंट्री की एडवांसमेंट कैसे होगी किसने बोला ये अब यहां पे आपका दो हिंट है पहले तो किसने फिरोशाह के बारे में बोला और दूसरा इन परस्यूट ऑफ गोल्ड जो शब्द है ये आपने कई बार सुना होगा इन परस्यूट ऑफ गोल्ड ये आपका दूसरा हिंट है इन द स्टेटमेंट तो ये किसने बोला है दिनशॉ वाचा ने दादा भाई नरोजी ने आरसी दत्त ने और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने सो हु हैज कि फिरोशाह इज नाउ डेज टू बिजी विद हिज पर्सनल वर्क सब लोग ऑलरेडी रिच और सब लोग अगर बिजी रहेंगे तो कंट्री को एडवांस कौन कराएगा सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर लेट्स सी चलो

करेक्ट आंसर हियर मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन इज ए ठीक है चलो तो 48 परसेंट लोग हैं सबसे पहले काबेरी देन वी हैव प्रणय सचिन सौम्या नाजिया देवजनी आर्या अमीन गीता ग्रो योर इंग्लिश सागरिका एंड योहेनबा एब्सोल्युटली गुड अब जनरली ये आपको आंसर पता ही होगा इन परस्यूट ऑफ गोल्ड 1887 में दिनशा वाचा जो है वो दादा भाई नारोजी को लिखते हैं दोनों का नाम याद रखिएगा एंड उसमें ये स्पेशली जब उनको लिखते हैं तो वो ये सारी चीजें कहते हैं कि सब लोग अगर बिजी हैं और सब लोग अमीर हैं तो कंट्री को एडवांस कौन कराएगा एज एवरीबडी इज बिजी इन दी परस्यूट ऑफ गोल्ड

इनकी 11 साल में शादी हो जाती है विद भगवती चरण बोरा जो कि रेवोल्यूशनरी रहते हैं एंड जो एच एस आर ए के मेंबर रहते हैं ठीक है आफ्टर द अरेस्ट ऑफ भगत सिंह एंड भुप्तेश्वर दत्त ठीक है she was given the charge of reorganizing HSRA in the Punjab province. ये specially prominent member भी थी भगत सिंह defence committee की और इन्होंने funds collect किया था to finance the campaign. ये मुझे देखना है किस कौन कौन लोग exam के pressure में चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं ये uh, question में एक hint है जो छुपा हुआ है जो मुझे इसलिए देखना है कि कभी क्या होता है एग्जाम के प्रश्न में आंसर आपके सामने होता है पैसेज आपके सामने होता है बट हम इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं कि हमें समझ नहीं आता है लेट सी कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है ठीक है किसके बारे में बात कर रहे हैं ये महिला स्पेशली भगत सिंह को बाहर निकलने में जेपी सॉन्डर्स के बाद उनकी हत्या के बाद भगत सिंह को भगाने में उनकी मदद करती है इनकी 11 साल में शादी हो जाती है स्पेशली जो एच के सदस्य रहते हैं भगवती चरण वोरा भगत सिंह और भुगतेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के बाद ये पंजाब प्रांत के एच को फिर से रिवाइव करती है एंड भगत सिंह रक्षा समिति की प्रमुख सदस्य भी हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं चलो लेट्स सी कितने लोगों ने एग्जाम प्रेशर में जो मेरा दिया हुआ हिंट है उसको समझाने इसमें मुझे हंड्रेड परसेंट वोट चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में एक हिंट छुपा हुआ है लेट्स सी सचिन क्योंकि कई बार मिडीवल के पैसेजेस अगर आपने देखे हैं तो क्या होता है कि पैसेज एक रहता है क्वेश्चंस अलग होते हैं बट जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं उसका आंसर उस पैसेज में में दिया रहता है है सो थोड़ा थोड़ा सा पेपर केयरफुल रहना है, रहना काम दिमाग को चलाना है कई बार आंसर सामने होता है बट दिखता नहीं है सो योर एवरीबडी शुड बी गिविंग मी हंड्रेड वोट्स क्योंकि आंसर आपके सामने है ए फॉर श्योर ओके सो हंड्रेड परसेंट वोट्स फॉर टूडे चलो तो करेक्ट आंसर ये है क्योंकि जो आंसर है वो पैसेज में ही दिया हुआ है तो आई होप सबने सही पढ़ा है चलो ठीक है सेवन परसेंट लोग थोड़ा नींद में है नो इश्यूज सागरिका सचिन अवीन नमिता वानी सभी रीता काजल कावेरी सबूज रेखा पल्लव प्रणय संति गोपाल स्वाति विनीत टीकू गीता सौम्या शिप्रा योहनबा शरीफ जोतन आर्या विच मीन की चलो दिमाग सबका सही है इज काम एंड क्योंकि स्पेशली इनका आंसर यहीं पे दे रखा था मुझे जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं दे वुड टू मच स्ट्रेस सो काम एंड वुस्ड रहना है आंसर सामने है और आंसर को ध्यान से देखना है जो भी एक्स्ट्रा चीजें गाइज इसको लर्न कर लेना भगत सिंह डिफेंस कमिटी हो गया ठीक है और उनका जनरली कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था क्योंकि वुमेन फिगर्स पे हमेशा क्वेश्चन आता है बेसिक्स हम कर चुके हैं एक दो एक्स्ट्रा आप और कर लेना ठीक है चलो नेक्स्ट ओके थ रेफरेंस टू श्री कृष्णा सिन्हा जिसको बिहार केसरी भी कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट है जो सही इनके बारे में हम काफी बार बिट्स एंड में पढ़े हैं नाउ लेट्स डू अ डिटेल्ड स्टडी अबाउट हिम इनकी पहली मीटिंग होती है गांधी जी के साथ 1865 में एट सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस और ये इनको इतना ज्यादा इंस्पायर कर देता है कि वो स्पेशली ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाने में काफी ज्यादा वर्क करने लगते हैं ठीक है श्री कृष्ण सिन्हा पहली बार अरेस्ट हुए थे 1890 में जहां पर ब्रिटिशर ने इनकी पार्टी को डिक्लेयर कर दिया था कांग्रेस सेवा दल को स्पेशली इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया था ठीक है आफ्टर हिज रिलीज 1912 में ये स्पेशली मेंबर बन जाते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की ठीक है इन्होंने एक कैबिनेट बनाई थी पटना में ट्वेंटी जुलाई 1937 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इनके कार्य जिनके साहस से गांधी जी इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि ये इनको फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ बिहार कहते हैं अब फाइव लाइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आने लगा है स्पेशली पर्सनैलिटी बेस्ड अब इसमें यू माइट नॉट नो ऑल फाइव सो अगर आपको एक दो भी पता है तो जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट दिस क्वेश्चन ठीक है ठीक है असर्शन एंड रीजनिंग की ट्रिक मॉक में यूज की थी सारे सही वे वेरी गुड एंड so में, मैं आपको क्लास के में ही बता दूंगी आई थिंक वन वीव द लास्ट क्लास आई विल टेल यू द ट्रिकर ऑल्सो ठीक है एटीन सिक्सटी फाइव में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में गांधी जी की पहली मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात उनको इतनी प्रेरित करती है कि वो ब्रिटिशर्स को हटाने में

ये सारे इवेंट्स दे देंगे और बोलेंगे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो पर्सनालिटी पे फाइव लाइन क्वेश्चंस काफी कॉमन है सो जस्ट मेक श्योर कि आप इसमें एलिमिनेशन ट्रिक जरूर अप्लाई करें चलो सो विच इज द राइट आंसर डी 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 ओके एलिमिनेशन डिड यू एलिमिनेट बी एंड डी ठीक है चलो बी एंड डी लेट्स सी ओके मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट सम ऑफ यू आर लिटिल बिट इनकरेक्ट बट कोई बात नहीं यहाँ पे एक्चुअली ना ये पूरा का पूरा डेट्स का खेल है अगर आपको ये डेट्स पता है तो यू बी एबल टू आंसर दिस ठीक है जिसका गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं बस इसको अपने दिमाग में रखिएगा एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डी लेट्स सी थर्टी फाइव परसेंट पीपल नाजिया काजल स्वाति सबीर काबेरी एंड गीता एब्सोल्युटली गुड इनके डेट्स गलत है ये बिल्कुल सही है 1935 एक्ट के तहत ही अपनी कैबिनेट बनाते हैं 20 जुलाई 1937 और गांधी जी इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि इनको फर्स्ट सत्याग्रही और बिहार कहते हैं ठीक है सो जनरली इफ यू नो कि ये होगा इफ यू नो कि फाइव होगा तो ये दो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं ठीक है एंड अगर आपको एक भी डेट पता था तो आप ये भी एलिमिनेशन कर सकते थे तो चलो इसको पढ़ लेते हैं श्री बाबू ये हुए थे नगवाड़ा बिहार ट्वेंटी फर्स्ट ऑक्टूबर एटीन एटी सेवन ठीक है ये अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं फ्रॉम जिला स्कूल इन मुंगेर देन ही गोस टू पटना कॉलेज जहां पे लॉ में करियर बनाते हैं 1915 में ये लॉ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ठीक है 1916 में ये गांधी जी से मिलते हैं पहली बार सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में और उनसे इतना इंस्पायर हो जाते हैं दैट ही नाउ वर्क्स टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल ठीक है उसके बाद 1921 में वो इसी वजह से अपनी जो लॉ प्रैक्टिस है उसको छोड़ देते हैं ठीक है फिर श्री कृष्ण सिन्हा पहली बार अरेस्ट होते हैं 1922 में क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो कांग्रेस सेवा दल को इीगल डिक्लेयर कर देती है इसी पार्टी के वो मेंबर होते हैं उसके बाद 1932 में वो जेल से रिहा होते हैं जहां पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर होते हैं बाद में इनको फिर से जेल होता है क्योंकि सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है टोटल एट इयर्स अराउंड वो जेल में स्पेंड करते हैं फॉर द कॉज ऑफ फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल ठीक है तो ये जो इयर्स है ना इनको याद रख लीजिएगा क्योंकि जनरली हम इनके बारे में बेसिक चीजें जानते हैं बट इन सारी चीजों को एड कर लेना ठीक है चलो नाउ अब किसके बारे में बात कर रहे हैं गाइस प्लीज लर्न ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है कि एक दो जो बेसिक पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए ये जो पर्सनालिटी है ही वाज़ द लीडर ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल ये पहला हिंट है दूसरा इन्होंने श्रद्धानंद हॉस्टल की शुरुआत की थी पुअर स्टूडेंट्स के लिए एंड इन्होंने श्री शिवाजी एडुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी ठीक है ताकि जो फार्मर्स है उनको अपलिफ्ट किया जाए उसके लिए इन्होंने भारत कृषक जो है समाज इसकी शुरुआत की थी एक न्यूज़पेपर भी शुरुआत किया था महाराष्ट्र केसरी तो यहाँ पे आपको वन टू थ्री फोर फाइव ऑप्शंस हैं इस पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए और अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो जस्ट ये पांच कीवर्ड्स को याद रखना है तो किसके बारे में बात कर रहे हैं पंजाब राव देशमुख राजेंद्रनाथ लाहेरी स्वर्ण कुमार देव या ढोंको केशव कार्वे सो विच इज इट So, किसके बारे में बात कर रहे हैं इन्होंने श्री शिवाजी एडुकेशन सोसाइटी की स्थापना की किसानों की स्थिति सुधारने के लिए भारत कृषक समाज की स्थापना की ठीक है श्रद्धानंद छात्रवास की शुरुआत की तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा मेजर गरीब छात्रों की अपलिफ्टमेंट के लिए काफी ज्यादा काम किया

श्री श्रीनिवास एजुकेशन सोसाइटी भारत कृषक समाज एंड न्यूज़पेपर महाराष्ट्र केसरी ये चार इंफॉर्मेशन है जो आपको इसी क्वेश्चन में मिल रही है चलो सो वी 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 हैव 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 ए एंड बी डी सी कोई दिक्कत नहीं है ये चारों चीज याद कर लेना फ्रॉम द पीडीएफ नोट्स व्हिच विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड चलो लेट अस स्टार्ट सो दी करेक्ट आंसर कुछ लोग बिल्कुल सही है ए इसका सही आंसर है लेट्स सी कितने लोगों ने जवाब दिया है <laughs> बहुत कम बट कोई बात नहीं संति गोपाल सौम्या अर्जुन प्रणयन रीतन याद रखिएगा कुछ कुछ न्यूज के नाम सेम होते हैं पर्सनैलिटीज अलग होती है इसलिए ये सारी चीजें फिट होनी चाहिए ठीक है एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ए पंजाब राव देशमुख ठीक है नेक्स्ट ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी नेशनल मूवमेंट कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है बानलता दास गुप्ता जो है इनको बेसिकली बिना ट्रायल का प्रोसेस कर लिया गया था बिना ट्रायल का डिटेन कर लिया गया था क्योंकि इन्होंने आर्म्स कैरी किया था अपने हॉस्टल में दो स्टूडेंट गवर्नमेंट हाई स्कूल के शांति घोष और स्मृति चौधरी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ त्रिपुरा को किल कर दिया था ठीक है कमला देवी चट्टोपाध्याय स्पेशली सत्याग्रह के टाइम पीरियड में बैन लिटरेचर लोगों को भेजती थी ताकि और कल्चरल शोज ऑर्गेनाइज करती थी स्वदेशी स्पिरिट बढ़ाने के लिए एंड यूनिटी बढ़ाने के लिए ठीक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पीरियड में रेणुका रे जो है इन्होंने अपनी ज्वेलरी जो है वो दे दी थी ताकि नेशनलिज्म के कॉज को सपोर्ट किया जाए और कुछ फंड जनरेट हो तो जब महिलाओं के कॉज के लास्ट लास्ट हमने वुमेन ऑर्गेनाइजेशन किया था एवरीबडी तो वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा वो वुमेन्स जो हमने किए थे उनका नाम याद रखिएगा ये उसमें एड कर लीजिएगा ठीक है सो विच इज करेक्ट चलो सो दास गुप्ता स्पेशली हॉस्टल में आर्म्स रखने की वजह से इनको डिटेन कर लिया जाता है विदाउट ट्रायल शांति घोष और स्मृति चौधरी जो है इन्होंने त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या की कमला देवी चट्टोपाध्याय स्पेशली सत्याग्रह के टाइम पीरियड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड असहयोग आंदोलन के टाइम पे रेणुका जैसी जो महिलाएं हैं इन्होंने स्पेशली क्या किया था दे ज्वेलरी ताकि फंड्स जनरेट हो अब बताओ किसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्या कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था लास्ट लास्ट और इसको प्लीज इंटीग्रेट कर लीजिएगा वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा आता है चाहे वो एंशेंट हो मीडिया हो या मॉडर्न हो कुछ भी हो ठीक है तो चलो अब थर्टी सेकेंड का पोल एवरी रजिस्टर योर आंसर्स व्हिच ऑफ करेक्ट चलो सी ओके सो आर्य अंकिता कार्तिक देन 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 ध्यान से पढ़ो और अगर गलत हो रहा है ना बस इनको रीड कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि सीमा वर्षा बिकॉज दीज क्वेश्चन आर ऑलवेज देयर इन योर प्रिपरेशन हमेशा ये ट्रेंड है पेपर का तो जब हमें पता है कि ये क्वेश्चन आते हैं तो इनको जरूर रिवाइज कर लेंगे लास्ट फ्यू डेज में ठीक है सो विच इज द करेक्ट आंसर कुछ सेकेंड ही बच्चे जल्दी जल्दी से चार्ट सेक्शन में आंसर लिख दो एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट करेक्ट आंसर हियर इज सी क्योंकि सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ठीक है सो so, सबसे पहले जिसने आंसर दिया है वी हैव कार्तिक आर्या नाजिया सीमा साक्षी काजल नमिता वानी सागरिका अमीन तरन्नुम देन वी हैव गीता प्रणय सचिन सबीर देवजनी एंड रेखा वेरी गुड गाइस ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बनलता दास गुप्ता जो है इनको स्पेशली डिटेन कर लिया गया था बिना ट्रायल का क्योंकि इनके पास आर्म्स मिले थे ठीक है उसके बाद शांति घोष मृति चौधरानी इन्होंने किल किया था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ त्रिपुरा कमला देवी चट्टोपाध्याय सत्याग्रह के टाइम पीरियड में बैन लिटरेचर भेजती थी उनको सोल्ड करती थी ताकि लोगों में नेशनलिज्म की भावना बढ़े एंड नॉन कोऑपरेशन के टाइम पीरियड में रेणुका रे जैसी बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच दी ताकि फंड्स जनरेट हो हमारे कॉज के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट विद रेफरेंस टू पुणे सार्वजनिक सभा कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है प्री आईएनसी पे हमेशा क्वेश्चन आता है ठीक है तो दोनों कर लेंगे थ्योरी भी और डेट्स भी पुणे सार्वजनिक सभा इस्ट हुआ था सेकंड अप्रैल 1870 में मोस्टली डिसकंटेंट के वजह से ओवर द रनिंग ऑफ अ लोकल टेंपल ठीक है जो मेंबर्स जिन्होंने मदद की थी वो श्रीनिवास राव पंत प्रतिनिधि गणेश वासुदेव जोशी एंड एस एच चिपलुनकर ठीक है ऑल्सो ये सभा काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने स्वदेशी को पहले ही एनकरेज किया और सबसे इंपॉर्टेंट गणेश वासुदेव जोशी जो है ये डेली दरबार में जाते हैंड्सपन खादी पेन की तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है जब हम जनरली पुणे सार्वजनिक सभा की बात करते हैं ठीक है प्री आई एन सी ऑलवेज कम्स अब प्री आई एन सी जब आप रिवाइज कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर की प्री आई एनसी रिविजन के समय आई होप आपने यर्स कर लिया गिव यम्स अप एंड से येस यर्स हो गए गोल्स uh, हो गए जो भी हमारे प्री आई एन सी एसोसिएशन थे उनका लोकेशन कौन कहाँ पर लोकेटेड है ठीक है और इनके डिमांड्स हमेशा हर साल क्वेश्चन आता है या ये थ्योरी में आएगा या ये क्रोनोलॉजी में आएगा या ये मैथ द फॉलोमिंग आएगा बट ये आएगा जरूर ठीक है और हम दोनों क्वेश्चन आज के सेशन में कवर कर लेंगे तो चलो विच ऑफ द फॉलोइंगयर इज करेक्ट यहाँ रहा हमारा थर्टी सेकेंड का पोल गो कुछ कुछ एसोसिएशन के नाम सेम होते हैं उसमें थोड़ा ध्यान रखना है कुछ कुछ एसोसिएशन के मेंबर्स और हमेशा कोशिश करिएगा फाउंडर और जो लोग एसोसिएट होते हैं ठीक है दोनों में फर्क होता है फाउंडर होता है कि भाई मैंने ये एसोसिएशन बनाने में स्थापना करने में मदद की आई एम अ कोर मेंबर एसोसिएट मतलब जैसे आप किसी क्लब में जाते हो तो आपने वो क्लब बनाई नहीं बट आप उसके साथ एसोसिएटेड हो तो थोड़ा ध्यान से देख लेना कई बार मेंशन नहीं होता है ऐसी नाम होते हैं उसमें आप कुछ भी कर सकते हो आंटेनालिस्ट फाउंडर और एसोसिएटेड क्लियरली मेंशन नहीं है आप कुछ भी मार्क कर सकते हैं ठीक है चलो सो द करेक्ट आंसर हियर वेरी इजी सारे ही स्टेटमेंट्स यहां पे सही हैं सी इज द राइट आंसर हियर

सी सबसे पहले पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी अप्रैल एट मोस्टली ये ओरिजिनली देखो हर एसोसिएशन ना कई बार कुछ एसोसिएशन होते हैं जो ओरिजिनली शुरू हुए फिर 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 वो fade out हो फिर वो फेड आउट हो गए रीबर्थ रीबर्थ उनका फिर से rebirth होता है रिसर्जेंस होता है तो ये ओरिजिनली स्टार्टिंग में जब ये शुरू हुआ था एसोसिएशन वो उसी लिए हुआ था क्योंकि लोगों को जो लोकल टेम्पल जिस तरीके से चल रहा था ना उसके चलने से डिसकंटेंट हो रही थी ओरिजिनली ऐसा रीजन था बाद में डेकन एसोसिएशन

है जो सही है कहा जाता है ये पहली फ्रीडम फाइटर थी केरला की जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जिनको जेल हो गई ये अपना काफी टाइम नंदा देवी टेम्पल जो अल्मोरा में है वहां बिताती थी और मोस्टली वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी फ्रीडम स्ट्रगल में कहा जाता है जो प्रोटेस्टर्स को जेल होने वाली थी उनको वो मोटिवेट करती थी फ्लावर्स देकर और उनकी आरती परफॉर्म करके 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल कवर इनके ऑनर में लॉन्च किया ठीक है सो विच एग्जैक्टली हियर इज करेक्ट सौम्या क्या मानना चाहिए ये आपको ना क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा अगर क्वेश्चन में किस तरीके से लिखा हुआ है ठीक है कई बार लिखा रहता है ओरिजिनली क्या है कई बार जनरली लिखा रहता है सो द वे द स्टेटमेंट इज बीइंग फ्रेम्ड उस हिसाब से आपको आंसर देना है ठीक है रेफरेंस टू स्पेशली देवी कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है इन्होंने अपना पूरा टाइम अल्मोड़ा के नंदा देवी टेम्पल में बिताया जहां पे स्पेशली वो लोगों को मोटिवेट करती थी जो प्रदर्शनकारी को जेल होते थे उसको स्पेशली वो फूल दे के स्पेशली प्रेरित करती थी 1992 अक्टूबर में भारत सरकार ने इनके लिए एक स्पेशल कवर का लॉन्च किया सो विच ऑफ दर इज करेक्ट चलो देखो है 1867 में शुरू हुआ था 1870 में प्रॉपरली मर्ज कर जाता है तो हर जगह आपको 1867 भी दिखेगा 1870 भी मिलेगा बट मोस्टली 1870 लोग लोग के चलते हैं क्योंकि मेजर वर्क उस समय से शुरू हुआ था ठीक है तो चलो विच इज करेक्ट लेट्स सी एंड हियर इज द पोल एंड हियर वी गो अब इसमें आप एलिमिनेशन कर सकते हैं अगर आपको पता है कि ये कहां से बिलोंग करती हो सकता है आपको सब ना पता हो आई एम जस्ट गिविंग यू दैट एग्जाम फील तो थोड़ा दिमाग लगाना है और एलिमिनेशन करना है चलो सो लेट इज सी ओके 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 और और विद इन थर्टी सेकेंड राइट योर आंसर्स आई थिंक मोस्ट ऑफ यूर एबसोलूटली राइट तो चलो आई थिंक कितने लोगों ने इसको एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व किया है हाउ मेनी ऑफ यू एलिमिनेटेड दिस क्वेश्चन

ये केरला की नहीं है तो यहां पे ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया वन गलत है तो सीधे सीधे वन को एलिमिनेट कर दो

कहा जाता है इन्होंने अपना काफी टाइम नंदा देवी टेम्पल में बिताया अलमोरा में जहां पे वो काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी वहां से फ्रीडम मूवमेंट में मोस्टली कहा जाता है जो प्रोटेस्टर्स को जेल होने वाली थी उनको वो फ्लास देती थी उनकी आरती परफॉर्म करती थी उनको मोटिवेट करने के लिए और स्पेशली सॉन्ग्स गाती थी ऑल्सो ये सीक्रेटली फंड भी रेस करती थी वो लोग जो जेल चले गए हैं प्रोटेस्टर्स उनके फैमिली के लिए सीक्रेटली फंड रेस करती थी शी वॉज इंस्पायर्ड बाई दी पोएट कोमाउनी गोडा हु

रखिएगा मूविंग टू द नेक्स्ट चलो मीन वाइल वन मिनट आगे ठीक है स्पेशली एक और चीज याद रखिएगा ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट जब स्पेशली आप देखोगे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ना जब धीरे धीरे दीड़ हमारा मूवमेंट स्पेशली फेड आउट कर रहा था जब शॉपकीपर्स बहुत ज्यादा दाम मांग रहे थे जब स्वदेशी मूवमेंट ऑलमोस्ट फेड आउट करने लगा कॉमन मैन चीजों को खरीद नहीं पा रहे थे तो बिश्नी देवी एक इनिशिएटिव लेती है और ये डोर टू डोर सेलिंग करती है जहां पर चक्रा स्पिनिंग व्हील पांच रुपए में बेचती थी जिसका मार्केट चार्ज दस रुपया था एट द सेम टाइम इन्होंने महिलाओं

क्स्ट विच फॉलोइंग दर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड विद द नेशनल मूवमेंट और इनको हम याद करते हैं क्योंकि इन्होंने जो संस्कृत टेक्स्ट है जब सब जानते हो मुद्राक्षसाह रितुसभा राजतरंगिनी ये पर्सनैलिटी ने उसका ट्रांसलेशन भी किया है सो so, कौन है हु इज दैट पर्सनैलिटी जो फ्रीडम मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है प्लस इन्होंने संस्कृत किताबों का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है कौन सी किताब ऋतु समार मुद्राक्ष राज तरंगिनी हम बात कर रहे हैं सैफुद्दीन किचू की समलंदा गांधी की सीताराम महाराज की और रंजीत सीताराम पंडित की सो so, किसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन एंड चलो हियर वी गो So, कौन पर्सनालिटी है जो नेशनल मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड भी थे बट उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया था चलो उत्तराखंड से बिलोंग करती थी आपके ऑप्शन में केरला लिखा है ध्यान से पढ़ो यार ओके ठीक है, so आप देखो कितने लोग ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व होगा तो मेंमीन सौम्या अर्पिता स्वाति योहेनबा नमिता एंड अर्जुन जिन्होंने सही आंसर दिया है ठीक है सो डी इज द करेक्ट आंसर इसको बस याद रखिएगा इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को क्योंकि काफी यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है ये ठीक है नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं ही वॉज बोर्न इन पॉण्डीचेरी जुलाई 1906 में और ये स्पेशली फ्रेंच में एडुकेटेड थे ये एक बहुत ही बड़े नेशनलिस्ट थे जो गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ एसोसिएटेड थे एंड 1930 से फ्रीडम मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये फ्रेंच इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं और इसके सेक्रेटरी भी रह चुके हैं नाइनटीन फोर्टी के टाइम पीरियड में इनको अरेस्ट किया गया था पुलिस ने असोल्ट भी किया था काफी इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी ले लिया गया था फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पीरियड में तो कौन है जिसकी हम बात करें बाबा कांशीराम अनुराग नारायण सिंह अब्दुल जलील और बेसिकली अंसारी हु आर वी टॉकिंग अबाउट ठीक है so, सो किसकी हम बात करो सो आई थिंक इट इज नॉट इन हिंदी आई सेट इन हिंदी ठीक है सो ये पौंडिचरी में बॉर्न हुए थे 1906 के टाइम पीरियड में ही वॉज एडुकेटेड इन फ्रेंच ये स्पेशली फ्रेंच इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर रह चुके हैं इसीलिए मैंने आपको ये दिया है और सेक्रेटरी भी रह चुके हैं इनके एसोसिएशन से इनकी प्रॉपर्टी को काफी लॉस भी हुआ एंड गांधी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे तो हम किसकी बात कर रहे हैं हियर वी गो चलो बस इतना ही है पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको इतना ही दिया है नेक्स्ट टेन क्वेश्चंस हम नॉर्मल वाले करेंगे बेसिक्स ठीक है आई जस्ट थॉट कि क्योंकि जो पर्सनालिटीज थोड़ा कांग्रेस के साथ अलग अलग तरीके से एसोसिएटेड है एक बार उनको बस आप नाम याद रख लेना ठीक है चलो सो ए बी सी डी विच इज करेक्ट ठीक है कोई बात नहीं पर्सनलिटी बेस्ड क्वेश्चन में जस्ट रिमेंबर ने सही आंसर दिया है चलो, इसके बाद हम सा करेंगे. यही 10 मैंने आपको पर्सनैलिटी पे दिया था करेक्ट आंसर सिर्फ सचिन खुश और विनीत ने दिया है विच इज डी ठीक है सो बेसिकली अंसारी दौरान सामी इज द राइट आंसर ही वॉज द मेंबर ऑफ फ्रेंच इंडियन नेशनल कांग्रेस और सेक्रेटरी थे जो गांधी आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा इंफ्लुएंस थे ठीक है ना मूविंग टू नंबर इलेवन इसमें 100 वोट चाहिए हमें ठीक है Legislative Council in India का कोई real power नहीं था till 1920, but कुछ ऐसे थे 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 जो जो हुए हुए तो कौन है राजबिहारी बोस मांडले कृष्ण दास पाल एंड अमरिंदर सिंह ये तो इजी क्वेश्चन है हंड्रेड परसेंट वोट इसमें सो लेट स्टार्ट पोल सो किसकी हम बात कर रहे हैं चलो So, कौन है जो स्पेशली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉमिनेट हुए थे इनमें से बोस सिंह एंड ये ये तो easy question है, ये तो previous year है है में आ भी चुका सीमा आपको विद इन थर्टी सेकेंड देना है है ना सो इफ यू गिविंग विद इन थर्टी सेकेंड आई थिंक योर नेम अगेन ओके

सबसे पहले आपको पता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इनका एक्चुअली कोई रियल पावर नहीं था तभी बार बार मॉडरेट एक्सपेंशन की बात करते थे हम इलेक्शन की बात करते थे ठीक है हाउ एवर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने स्पेशल एक बॉडी डिजाइन की थी जहां पे स्पेशली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का कॉन्सेप्ट आया कुछ इंडियन मेंबर्स इलेक्ट हुए थे जिसमें से स्पेशली थे अहमद खान किशोन दास पाल देन वी हैवी एन मांडलिक के एल नुलकर एंड राज बोसी कुछ उनमें से ऐसे लीडर थे जिनको स्पेशली नॉमिनेट किया गया था इन दी काउंसिल्स ठीक है मोस्टली कहा जाता है 1862 से टू से आप सोचो सिर्फ 45 इंडियंस थे जो नॉमिनेटेड थे 62 से 92 में में सिर्फ 45 Indians nominated है, तो तो आप 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 ये सोच लो and कौन होगा? अगर आप ब्रिटिशर हो तो आप उन्हीं को करोगे ना जो आपके काम करेंगे जो आपकी बन के रहेंगे दीज आर ओनली अ वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट पोलिटिकल फिगर्स एंड इंटलेक्चुअल लाइक सैयद अहमद खान किशोन पाल वी एन मार्डलिक के एल नुलकर राजबिहारी घोष ये कुछ ऐसे लोग थे जिनको स्पेशली नॉमिनेट किया गया था ठीक है चलो अब ये किसने बोला है आफ्टर नियरली टेन इयर्स ऑफ पेनफुल सेपरेशन एंड वॉन्डरिंग थ्रू वाइल्डरनेस ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग एंड मेजेस ऑफ अनप्लेजेंट कॉन्ट्रोवर्सी Both wings of Indian National Party have come to realize that they united, they stand and divided, they दे फॉली किसने बोला है अब देखो हो सकता है आपको ये exact quote ना याद हो बट आप एक line में बताओ कि ये बोलना क्या चाह रही है और कौन इनमें से सही personality है जो actually ये बोल सकता है किस context में ये line बोले गए इसको logic के through solve करना है क्योंकि आपको हर personality ने क्या बोला है वो obviously याद नहीं रहेगा वो याद करने की जरूरत भी नहीं है Use your logic. ये बोलना क्या चाह रहा है ये line एक line में कौन बताएगा एक लाइन में व्हाट इज दिस सेइंग अच्छा आप मुझे ये बता दो ये पैसेज एक लाइन में क्या बोल रहा है कौन सा इवेंट नेशनल मूवमेंट का इस पैसेज के थ्रू हमें पता लग रहा है ओके okay, सो so कौन सी हमारी कोई इवेंट पता लग रही है कि लगभग दस वर्षों के दर्दनाक अलगाव और गलत फहमी के बाद स्पेशली भारतीय राष्ट्रवादी की पार्टी के दोनों विंग्स को एहसास हो गया है कि एकजुट हैं तो ही खड़े रहेंगे अब बताओ ये कौन सा टाइम को कर रहा है एंड uh, जब आपको ये पता चल गया कि इन शॉर्ट ये लाइन क्या बोल रही है तो इनमें से कौन से हमारे लीडर हैं जो जनरली ये बोल रहे होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यस एब्सोल्युटली करेक्ट तो टेक्निकली क्या बोल रहा है ये लखनऊ पैक्ट की बात कर रहे हैं ना कि जब मॉडरेट सूरत स्प्लिट होता है

And the correct answer here is A.C. Mazunda. 1916, who presided the Congress session? परफेक्ट सो so, वर्षा संधि गोपाल अमीन आर्या ज्योत्सना रेणु सागरिका पल्लव वानी साक्षी काबेरी रीता पूनम पुष्पा पुष्पिका सचिन अजय सबीर सौम्या नमिता नाजिया स्वाति गीता टीकू अर्जुन प्रणय काजल ज्योति एंड तरनुम है ना सो so, स्पेशली जो हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहेंगे सो so, आरसी मजुमदार जो है ये स्पेशली लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट रहते हैं 1916 वो ये कहते हैं कि भाई इतने अलगाव के बाद फाइनली कांग्रेस के जो दोनों विंग्स है वो एक साथ आते हैं क्योंकि उनको ये रिया

तो ये इजी क्वेश्चन है अब इसमें तो भाई हंड्रेड परसेंट वोट चाहिए कुछ भी हो जाए सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इंडियन सोसाइटी पुण्य सार्वजनिक सभा इंडियन लीग सो हैव आनंद मोहन बोस एस एच चिपलुंकर शिशिर कुमार घोषण गोपाल कृष्ण गोखले सो लेट अस सी हियर वी गो ठीक है हंड्रेड पर वोट है ओके सो आर्या योहिंद टीकू सबीर सचिन स्वाति अमीन सपना सागरिका गीता एंड देन पुष्पा वर्षा श्रेया देवजनी अजय रेनू पल्लव ज्योति खुश ठीक है तो वेरी गुड आई थिंक एवरीबडी इज गिवन दी राइट आंसर इसमें तो 100 परसेंट आने चाहिए 88 है फिर भी जो कि अच्छा नहीं है एग्जाम के एक वीक पहले साक्षी प्रणय अम्या नमिता वर्षा सुदेशना काजल कावेरी ज्योत्सना रेणु अजय श्रेया नमिता पुष्पिका रीता वानी एंड नाजिया ठीक है चलो नाउ विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

प्रफुल्ल चकेंदुद उसको छोड़ दो दिस वो, इजी वो, को. वो चला गया में ही. ठीक है रेवोल्यूशनरी so right तो एक्टिविटीज पे प्लीज आई होप आपने नोट्स बना लिए प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिएगा एग्जामिनेशन के पहले ठीक है चलो सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर वेरी वेरी गिविंग द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर हियर ओके सो 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 वी हैव प्रणय सुदेशना साक्षी काबेरी संति गोपाल वर्षा आर्या अजय अमीन देवजनी गीता वानी पल्लव पुष्पिका स्वाति टीकू दुनेश नाजिया सचिन एंड जोत्टर स्टेटमेंट सही है मदन लाल ढींगरा एसैसिनेटेड कर्जन बिलिये वन लाइन का क्वेश्चन भी आ चुका है नाइनटीन ट्वेल्व सचिंद्रनाथ सनियाल एंड रज बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग ठीक है तो ये किसी तरीके से मैच का फॉलोइंग भी आ सकता है जो हमें कोशिश करनी है हमारे गलत ना हो चलो ईस्ट इंडिया टेरिटरीज पहले सिक्के जिसमें आपके राजा की पोर्ट्रेट थी देवर मोस्ट इश्यूड इन एटीन सिक्सटी टू वन रूपी का पेपर करेंसी आया नाइनटीन इलेवन में और ये डेली दरबार के टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था सो so, कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है या गलत है रिगार्डिंग देंसी the Indian Coinage Act 1835, यूनिवर्सल कॉइनेज आया पहला सिक्का जिसमें आपके सॉवरिन की पोर्ट्रेट थी इट केम आउट 1862, one टू रुपी का करेंसी सिक्का फर्स्ट टाइम आया 1911 में चलो सो हियर वी गो

करेक्ट आंसर योर मेनी ऑफ यू आर करेक्ट इज बी एंड आई थिंक सबने सही आंसर दिया है वेरी गुड चलो सो प्रणय सौम्या अमीन साक्षी रेनू सुदेशना सागरिका पुष्पा सुदेश रेखा गीता दिनेश अजय देवजनी सबीर नमिता वर्षा स्वाति ज्योति अर्जुन काबेरी एंड आर्या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट जनरली अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं 1835 में इंडियन कॉइनेज एक्ट के तहत यूनिफॉर्म कॉइनेज जो है वो अडॉप्ट हो गया था ठीक है स्टेटमेंट नंबर टू इनकरेक्ट क्यों है क्योंकि स्पेशली जो पोर्ट्रेट है सिक्के में जो स्पेशली आपके राजा की पोर्ट्रेट है ये स्पेशली विलियम द फोर्थ की जो पोर्ट्रेट है और ये जो वैल्यू ऑफ द था पर्शियन में ये 1835 में इशू होना शुरू हो चुका था क्वीन विक्टोरिया की पोर्ट्रेट जो है आफ्टर एटीन आती है एंड जनरली यू विल सी द फर्स्ट कॉइनेज अंडर द क्राउन एटीन एंड एटीन तो बस इनके डेट्स आप याद रख लीजिएगा ठीक है और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है स्पेशली एक रुपया की जो हमारी कॉइनज थी ये रुपी नोट इशू हुआ था नवंबर 1917 1911 के के दिल्ली दरबार टाइम पीरियड में नहीं बट जनरली ये जब हुआ था तो फिर कुछ इश्यूज हो गए थे फिर कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था फिर ये आया था फिर कुछ इश्यूज हो गए थे तो स्टार्टिंग में वन दिस वॉज इंट्रोड्यूस तो लॉट ऑफ इशूज वॉर स्पेशली फॉलोड बाई दिस ठीक है नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू कॉर्न लॉज ऑफ ब्रिटेन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है कॉर्न लॉज पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में टू इंपोर्ट फूड ग्रेन टू अचीव

फोर मोर क्वेश्चन वन कौन सी गलत है एक्चुअली तीनों ही स्टेटमेंट गलत है वन टू एंड थ्री ए इज द राइट आंसर हिस्स फिफ्टी इज ए वेरी गुड So, प्रणय शरीफ नमिता मीन सागरिका साक्षी ज्योति रीता स्वाति रेणु रेखा पुष्पा नमिता अंकिता एंड सुमित एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली गुड अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं देखो लेट एटीन सेंचुरी से डिमांड बढ़ना शुरू हो गया कि भाई फूड ग्रेन को इंक्रीज करो क्योंकि भाई आबादी बढ़ रही है पॉपुलेशन बढ़ रही है ठीक है तो धीरे धीरे क्या हुआ जो फूड ग्रेन के प्राइसेस है वो बढ़ना शुरू हो गए प्रेशर पड़ा जब लैंडेड ग्रुप से तो गवर्नमेंट ने क्या किया ये कॉर्न की इंपोर्ट को स्पेशली रोकना शुरू कर दिया इससे क्या हुआ स्पेशली ये जो इम्पोर्ट ऑफ कॉर्स को रोका गया इसको कहा जाता था कॉर्न लॉस और जब इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर्स का प्रेशर पड़ने लगा क्योंकि खुश नहीं थे ठीक है एज द रिजल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस लॉस को स्पेशली अबॉलिश कर दिया और जब ये लॉ स्पेशली शुरू हुआ था कॉर्न का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो गया था जिससे फूड प्राइजेस और ज्यादा बढ़ गए कम नहीं हुए ठीक है तो प्लीज इसको एवं रीड कर लेना क्योंकि भाई हमारे लॉज वगैरह पे क्वेश्चन जो है ये आ जाता है ठीक है नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन सी है जो सही है मैनचेस्टर टू इंडिया स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्योंकि इनको वर्ल्ड वॉर का लॉस रिकवर करना था इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपोर्टेड जूट बैग्स क्लोथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स लेदर बूट्स फॉर वॉर नीड्स इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज हो गया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज होम मार्केट टू सप्लाई तो जब हम स्पेशली वर्ल्ड वॉर वन की बात करते हैं और जब हम इंडस्ट्रियल एक्टिव टी की बात करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो कौन सी स्टेटमेंट्स है जो सही है ठीक है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए मैनचेस्टर से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ गए इंडियन उद्योग युद्ध की जरूरतों में स्पेशली जूते सेना की वर्दी कपड़े ये सब स्पेशली जूते नियत करते थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्पेशली घरेलू बाजार की उपलब्धता के कारण भारतीय औद्योगिक की विकास हुई सो सोविच ऑफ दियर इज करेक्ट वेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड वॉर एंड वर्ल्ड वॉर के साथ जो भी हमारे एक्टिविटीज जो है वो हो रहे थे ठीक है सो सो हियर हियर आई गिव यू द द कोड्स ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट एवरीवन दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डीनडिशन ट्रेड और वो थ्योरिटिकल पार्ट आता है यही सारे क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग भी आ सकते हैं स्टेटमेंट भी आ सकता है यहां से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बनेगा दीज क्वेश्चन थ्योरी चलो सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट सो 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 ठीक है सो द करेक्ट आंसर कुछ लोग सही हैं कुछ लोग गलत हैं बट कोई इश्यूज नहीं है तीन क्वेश्चन जिसके बाद हम सेशन को खत्म करेंगे लेट्स कि इन्होंने राइट आंसर दिया है वेरी फ्यू पीपल सौम्या पल्लव तरन्नुम एंड विनीत अब इसके एक्सप्लेनेशंस को देख लेते हैं ताकि जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो था क्यों क्योंकि भाई वॉर ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था कि भाई जो मेजर प्रोडक्शन हो रहा था वो क्यों हो रहा था ताकि वॉर के जो भी चीजें उसको मीट कर सके जैसे कपड़े हो गए आप स्पेशली वॉर के लिए आप जूते बना रहे हो उनके कपड़े बना रहे हो ठीक है तो मैनचेस्टर इम्पोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाते हैं ठीक है अब क्या होता है कि भाई आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर अपना जो पोजिशन है वो कभी कैप्चर ही नहीं कर पाता है जो पहले लड़ाई के पहले था अनएबल टू कंपीट विथ यूएस जर्मनी एंड जापान द इकोनमी ऑफ ब्रिटेन क्रम्बल्ड आफ्टर द वॉर कॉटन प्रोडक्शन को लैप्स हो जाता है एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाते हैं लॉ जो स्पेशली जब लड़ाई हो रही थी तो इंडियन फैक्ट्रीज वॉर नीड सप्लाई करती जैसे यूनिफॉर्म हो गया टेंट हो गया लेदर बूट हो गया घोड़े के सैडल्स हो गए ये सारी चीजें जिससे क्या हुआ हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो स्पेशली थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज हो गई थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ होम मार्केट

Looked to the rivalry of Congress and the League as their useful weapon against the demands of either. This is important line. Kisne boli hai? Percival Speeds, B.R. Tomlinson, Robert Brown, Robert Broomfield. Three question, then we end the session.

Uh, फिर हम मिलेंगे फ्राइडे को फ्राइडे को वी विल डू बेसिक क्वेश्चन क्योंकि अब एग्जाम करीब आ रहा है तो विल नॉट बी डूइंग टू मच न्यू क्वेश्चन सो फ्राइडे को हम लोग कर्तम करेंगे नाइनटीन थर्टी टू नाइनटीन फोर्टी सेवन मैं उसमें कुछ एक्ट्स भी इंक्लूड कर दूंगी और उसमें हम लोग कुछ बेसिक्स है नेहरू रिपोर्ट एंड ऑगस्ट ऑफर तो ये बेसिक्स को टचअप कर लेंगे सो so, फ्राइडे के सेशन विल बी ईजी विल जस्ट बी कवरिंग द बेसिक्स एंड नथिंग न्यू फिर संडे को मैराथन और मंडे को हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्टोरियोग्राफी और सिनेमा करके हम ये वाइंड अप कर देंगे ठीक है चलो सो करेक्ट आंसर हियर इज बी आर इन्होंने स्पेशली कहा था कि ब्रिटिश कैबिनेट को कांग्रेस और लीग का रिफ्ट दिख रहा है जिसको वो ट्राइम कट की तरह यूज कर रहे हैं ताकि कोई भी कुछ डिमांड करे तो दोनों को एक दूसरे के प्रति उकसा दो ठीक है सो दी करेक्ट आंसर हियर इज ए लेट्स एन परसेंट ओके कोई बात नहीं नीत पुष्पिका अर्जुन एंड सचिन एब्सोल्युटली करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विद रेफरेंस टू महिला का रोल इन दी फ्रीडम स्ट्रगल कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है महिला आत्मरक्षी समिति जो है ये वुमेन को दिखा रही थी कि भाई आप सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हो जापानीज इन्वेजन जो नाइनटीन के टाइम पीरियड में जो थ्रेड था उसको काउंटर करने के लिए महिला राष्ट्र की स्थापना हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ लतिका घोष एंड रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वॉज डिप्लॉइड एज वॉर इन द इम्फाल कैंपेन So, so, महिला क्षिति महिलाओं को यह दिखाने लगी कि अगर जापनीज जापनी इन्वेट करते तो कैसे कर सकते हैं उसको सिखाने लगे महिला राष्ट्र संघ वॉज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ लतिका घोष रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वॉज डिप्लॉयड इन दी फ्रंटलाइन ऑफ द इम्फाल कैंपेन ठीक है तो चलो विद दिस वी विल एंड द सेशन विद वन मोर क्वेश्चन एंड फ्राइडे को जस्ट द बेसिक्स एज आई प्रॉमिस नथिंग न्यू अब जितना हमें न्यू करना था कर लिया तीन चार दिन पहले बस बेसिक्स को ही रिवाइज करके जाएंगे ठीक है चलो सो द करेक्ट आंसर यहाँ पे सब कुछ ही सही है एंड इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर है बी कोई बात नहीं इसको याद रखना तीनों स्टेटमेंट सही है शांति गोपाल प्रीता सरकार रेविया नमिता पल्लव देवजनी सुदेशना प्रणय वर्षा एंड वानी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ठीक है विद दिस लास्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है इलेक्शन Election...

ठीक है सिविल सर्विसेज कमिटी जुडिशियरी हो गया आर्मी हो गया ये सबकी कमिटीज को देख लीजिएगा चलो सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कवरिंग 1930 टू 1947 बट इसमें मैं थोड़े एक्ट्स वगैरह इंक्लूड कर दूंगी पर हमारा ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम कम्युनल अवार्ड रिवाइज कर ले नेहरू रिपोर्ट रिवाइज कर ले 1935 एक्ट रिवाइज कर ले 1919 कर ले तो so इसमें मैं बेसिक वाले क्वेश्चन भी डाल दूंगी वी विल जस्ट रिवाइज नथिंग न्यू सो दैट एग्जाम्स के पहले आप एक बार गो थ्रू कर लेना ठीक है सो दी करेक्ट आंसर बी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट आल्सो चलो सो so, अब आगे बढ़ते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन सौम्या अमीन संत्य गोपाल ज्योत्सना गीता रीता कावेरी आर्या श्रेया वानी पल्लव स्वाति पुष्पिका अजय अंकिता रेणु टीकू नमिता सचिन एंड रेखा सो विद दिस वी एंड द सेशन एंड इसका एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार स्पेशली 11 प्रोविंसेस क्या थे आपको ये भी आ सकते हैं कि भाई कौन से ग्यारह प्रोविंसेस थे मद्रास सेंट्रल प्रोविंस बिहार उड़ीसा यूनाइटेड प्रोविंस बॉम्बे प्रेसिडेंसी असम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल पंजाब सिंध दस से बारह लोगों को ही वोटिंग राइट स्पेशली

Ticket.